नमस्कार, आज तक 24 न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आरती गहलोत। आइए रुक करते हैं ताजा खबर की ओर। पंचायत चुनाव के लिए होने वाले मतदान को निष्पक्ष और सुरक्षित कराए जाने के लिए लाइसेंसी शस्त्रधारियों से अपनी अपनी बंदूकें संबंधित पुलिस थानों में जमा कराने को कहा। इस आदेश के पालन में अपनी अपनी बंदूकें लेकर लोग पुलिस थानों पर जमा करने पहुंचे। इससे पुलिस थानों के सामने लंबी लंबी लाइनें लगी हुई है। मुरैना जिले के 29,000 लोगों को जिला दंडाधिकारी द्वारा शस्त्र के लिए लाइसेंस देकर अधिकृत किया गया। पंचायत चुनाव को शांति के साथ कराने तथा लाइसेंसी शस्त्रों का दुरुपयोग रोकने के लिए प्रक्रिया जिला निर्वाचन अधिकारी की अनुशंसा पर जिला दंडाधिकारी द्वारा पूर्ण कराई जा रही है। जिला दंडाधिकारी द्वारा सभी लाइसेंसी शस्त्र के लाइसेंस निलंबित कर दिए गए हैं। किसी भी वैधानिक कार्यवाही से बचने के लिए अपने अपने शस्त्र लेकर लोग पुलिस थानों तक पहुँच रहे हैं। हालांकि इसमें उन्हें भूखे प्यासे भी रहना पड़ रहा है। बहरहाल, लोगों की कवायद है कि किसी भी कीमत पर उनके शस्त्र का लाइसेंस सुरक्षित बना रहे, इसलिए वो अपनी बंदूकें जमा कर रहे हैं। यादव, क्या दिक्कत आ रही है? दिक्कत ये आ रही है कि ग्रामीण में चुनाव है और शहर में चुनाव नहीं है, तो शहर की बंदूकें क्यों जमा की जा रही है? और ग्वालियर में तो शहर की बंद कर रखा है, छोड़ दीजिए, और गाँव बंद है रही। दिक्कत ये भीड़ आ रही है, जमाना आ रही है, और सवेरे 8 बजे लगे लेने में और 12 बजे और खूब ध्यान पर्ची पट गई, काउंटर एक लाइसेंस ज्यादा व्यवस्था तो करो कम से कम। नाम है और यहाँ सुबह से नंबर पे लगे हुए 8 बजे के, और नंबर वालों को कोई सुन नहीं रहा है, और बगल से गेट से ले लेते उसके नंबरों को, उसके लाइसेंसों को उनको जमा कर रहे हैं। एक बार बार 10-10 लोगों की जमा कर रहे हैं अंदर से। तो नंबर से जो चीज़ आनी चाहिए, सुबह जो पर्ची दिए नंबर से, उससे सीरियल से चले ना वो काम, और सीरियल नंबर से कुछ हो नहीं रहा है। अपने तरीके से काम कर रहे हैं लोग, मनमानी तरीके से कार्रवाई कर रहे हैं। और दूसरा क्या है, यहाँ एक जगह एक बोलते हैं कोरोना की डिस्टेंस बना के चले, यहाँ स्थिति देख लें। मेरा नाम राजेश यादव है। सुबह से लगे हुए पर कोई व्यवस्था यहाँ पर बिल्कुल सुचारू रूप से हमें दिख नहीं रही है, और सुबह जो नंबर बांटे हैं कुछ लोग कह रहे हैं पर उनका कोई मतलब नहीं निकला। लाइन तो भी है, 3-4 लाइन है, बहुत धीमी गति से काम हो रहा है यहाँ पे। तीन लाइन लगी है। देखो जी, बुजुर्ग हैं जी, बता रहे हैं कि सुबह पर्ची बांटी 9:30 से आए हुए हैं बिल्कुल, और पर्ची का कोई महत्व नहीं है, बिल्कुल कोई तरीका से काम नहीं हो रहा है, और कोई गाइडलाइन का पालन नहीं हो रहा है, ना कोई मास्क लगा रहा है बिल्कुल। मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये पूरा लाइसेंस जमा कर लेते, बारी बारी बुलाते तो आपका काम सही होता, तरीके से होता। गाइडलाइन की कोई उनको परवाह नहीं है बिल्कुल, प्रशासन बोल डील है, सही ढंग से काम नहीं कर रहा है। सर, ये पंचायत चुनावों को देखते हुए शस्त्र जमा करने के आदेश जारी हुए हैं, क्या ये पूरी विधि है और क्या निर्धारण किया गया है? जैसे कि आपको अवगत है कि राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव की घोषणा कर दी है, और पंचायत चुनाव की घोषणा होते ही आज आचार आदर्श संहिता लागू की गई है। उसी के तारतम्य में चुनाव शांतिपूर्ण हो, और उसके लिए जो एक बेहद इम्पॉर्टेंट कदम है मुरैना के परिप्रेक्ष्य में कि आर्म्स का जो है वापस करवाना है, तो हम लोगों ने 13 दिसंबर तक निर्धारित किया है। तत्समय तक सभी से अनुरोध है कि सब लोग अपने जो आर्म्स हैं वो संबंधित थाना क्षेत्र में वो जमा करवा लें, ताकि जो चुनाव है शांतिपूर्ण भी हो और नियम अनुसार हमारा जो कार्य करना है वो भी संपन्न हो पाए। और लोगों से भी अपील करूंगा कि चुनाव में सब लोग अपना हिस्सेदारी दें और बढ़ चढ़ कर वोटिंग दें। ग्रामीण क्षेत्र में अधिक शस्त्र हैं और ये जमा नहीं करेंगे तो क्या कोई कार्रवाई की जाएगी? जो विधि अनुरूप है उसके अनुसार ही हम कार्रवाई करेंगे। वैसे अनिवार्य है कि सभी जो है अपने बंदूक और शस्त्र जो है वो 13 दिसंबर तक अनिवार्यतः जमा करना है, नहीं होता है तो वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल खबरों में इतना ही, आगे की तमाम जानकारी के लिए आप हमारे साथ बने रहे और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।